रामानंद सागर जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्हें कई बार एहसास हुआ कि रामायण के निर्माण में कोई देवी योजना काम कर रही है। उदाहरण के लिए, फिल्म ललकार की शूटिंग के लिए लोकेशन तलाशने सागर साहब अपने बेटे प्रेम सागर के साथ गुवाहाटी आए थे। जब वे कामाख्या स्थित सुप्रसिद्ध मंदिर में देवी के दर्शन के बाद परिक्रमा कर रहे थे, तो एक छोटी सी बच्ची उनके पास आई और उनसे कहा, पेड़ के नीचे बैठे एक साधु महाराज आपको बुला रहे हैं। जब सागर साहब ने पीछे मुड़कर उस बच्ची को देखा तो वह गायब हो चुकी थी। सागर साहब उस पेड़ के नीचे आए तो वहां कई साधु महाराज एक साथ चबूतरे पर बैठे हुए थे। सागर साहब ने बुलाने का प्रयोजन पूछा तो वे संत शांत रहे। सागर साहब ने सेवा अथवा मदद के लिए पूछा, किंतु साधुओं में से किसी ने कुछ नहीं कहा। श्री रामानंद सागर और प्रेम सागर इस घटना को भूल चुके थे। एक बार वे हिमालय में शूटिंग कर रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया। पासी एक साधु की कुटिया थी तो उन्होंने यूनिट की महिलाओं को शरण मांगने के लिए साधु महाराज के पास भेजा। लोग उनकी कुटिया में आना चाहते हैं, यह सुनते ही साधु महाराज आग बबूला हो गए। पर जब साधु ने पूछा कि कौन फिल्म डायरेक्टर है, उन्हें उत्तर मिला, रामानंद सागर। यह सुनते ही साधु के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। वह साधु सबको सम्मान के साथ कुटिया में लेकर आया और जड़ी बूटी का काढ़ा दिया। फिर सागर साहब से गुवाहाटी की घटना के बारे में पूछा। सागर साहब तो आश्चर्यचकित हो गए कि हिमालय के इस साधु को गुवाहाटी की उस घटना का क्या पता। साधु ने कहा, जिस बच्ची ने उन्हें पेड़ के तले साधु महाराज के पास भेजा था, वह स्वयं देवी थी और वह साधु महाराज महाअवतार बाबा जी थे जो किसी को दर्शन नहीं देते। सागर साहब को इसलिए दर्शन दिए थे क्योंकि वे आगे चलकर रामायण का निर्माण करने वाले हैं। क्या आपको पता है, सागर जी पहले रामायण नहीं महाभारत बनाना चाहते थे। फिर उन्हें कई बार स्वप्न में और एकांत में एक तेजस्वी साधक के दर्शन होते थे जिसका मुख कुछ कुछ धुंधला दिखता था। इसके बाद उनके मन में महाभारत को छोड़कर रामायण बनाने का भाव प्रकट हुआ। जब 1987 में रामानंद सागर जी शांति कुंज हरिद्वार में श्री राम शर्मा आचार्य जी से भेंट करने गए तो आचार्य के शिष्यों ने बताया कि गुरुदेव ऊपर कक्ष में हैं। रामायण पर चर्चा करने के बाद आचार्य जी ने रामानंद सागर जी से कहा, रामायण का निर्माण ईश्वर सत्ता की इच्छा और प्रेरणा का पूर्वार्ध है। इसके उत्तरार्थ के रूप में आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला को भी जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आज श्री कृष्ण को आम जनता माखन चुराने वाला और आराम से भोग विलास में जीवन बिताने वाला समझती है। इस पर इतना अज्ञान है कि उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उनकी लीलाओं का वास्तविक दिव्य दर्शन प्रस्तुत करना होगा। रामानंद जी, यह कार्य देवी शक्तियां आपके द्वारा ही कराना चाहती हैं। एक अन्य अनुभव बताते हुए रामानंद सागर जी कहते हैं कि जब नवंबर में केंद्रीय सूचना मंत्री श्री वीएन गॉडगिल और भास्कर घोष ने रामानंद सागर जी के बनाए पायलट एपिसोड को देखकर इस धारावाहिक को मंजूरी ना देने का फैसला किया, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई, उसी के तुरंत बाद अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में ही फेरबदल कर दिया। श्री वीएन गॉडगिल को सूचना प्रसारण मंत्रालय से हटा दिया गया और नए मंत्री बने श्री अजीत कुमार पांचा, जो रामायण के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते थे। फिर भी दूरदर्शन के सरकारी बाबू और क्लर्कों ने 3 महीना रामायण धारावाहिक की फाइलें लटकाई। सागर साहब बेहद निराश हो गए। उनका नियम था रोज पक्षियों को दाना खिलाना। वह मुंबई स्थित अपने घर
सागर बिला की छत पर कबूतरों और पक्षियों को सुबह दाना डालते थे। एक दिन सुबह परेशान सागर साहब छत पर खड़े होकर पक्षियों को दाना खिला रहे थे कि एक साधु का उनके विला में आगमन हुआ। उनके पुत्र प्रेम सागर इस घटना को लिखते हुए कहते हैं कि वह साधु अत्यंत तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। हालांकि साधुओं का दान मांगने आना सागर परिवार के लिए कोई नई बात नहीं थी, परंतु वह साधु तो कुछ अलग ही तेजस्विता लिए हुए था। सागर साहब के अनुरोध करने पर भी साधु ने कुछ भी दान नहीं लिया और उन्हें संबोधित करके कहा, मैं हिमालय स्थित अपने गुरु की आज्ञा से तुम्हें ये सूचित करने आया हूँ कि व्यर्थ चिंता करना छोड़ दो। रामायण तुम नहीं बना रहे, स्वर्ग में बैठी दिव्य शक्तियाँ तुमसे ये कार्य करवा रही हैं। इतना कहकर वे साधु वहां से बिना कुछ लिए चले गए। रामानंद सागर जी कहते हैं कि एक अनजान शक्ति हमेशा मेरे सपनों में आकर निर्देशित करती रहती थी कि हमारी सत्ता का केंद्र देवात्मा हिमालय है, जहां मेरे साथी अनेक ऋषि सत्ताएं सूक्ष्म रूप से तपस्या में संलग्न हैं। आप भगवान राम और श्री कृष्ण के दिव्य रूप को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करने का पुण्य कार्य करो। जहां कहीं भी कोई रुकावट या बाधा आएगी तो उसे देव शक्तियां दूर करेंगी। प्रेम सागर जी कहते हैं कि उसके बाद पिताजी का मन उत्साह और आनंद से भर गया। इस प्रकार देव शक्तियों द्वारा वह संपूर्ण कार्य संपन्न कराया गया। भारतीय धार्मिक सिनेमा में रामायण मील का पत्थर साबित हुआ।